सो हे गाइस की हाल चाल सब दफड़ी सर कैंट होम विल बी ओ हिंदी ट्रेलर ऑफिशियल ठीक है ते थलपति विजय संजय दत्त लोकेश कानगराज अनिरुद्ध ते डायरेक्टेड बाय लोकेश एंड प्रोड्यूस बाय ललित बाकी है स्टार्ट करते हैं सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई। पुलिस ऑफिसर जब गन रिलोड कर रहा था, सीरियल किलर ने उस पर गोली चला दी। तो अब पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और वो सीरियल किलर टारगेट पे है। यार नाइस यार वीएफएक्स कितना सोने थे ना वो। और वो सीरियल किलर टारगेट पे है। आवले क्या करोगे? ओ वो सबको बेवकूफ बना। रेंज रोवर थारा सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। संजू बाबा वो चुप नहीं बैठेंगे, भेड़ियों की झुंड की तरह तुम पर हमला करेंगे। तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। अब से हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना, चुप कर आओ, चुप कर जाओ, ये सोच सोच के हम कहीं मर ही ना जाए। It's action time. Oh. क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। तू किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। छोटे छोटे बम फट रहे हैं, पैर बजा सीधे पूरी बिल्डिंग उठ गई। क्या बात है, ब्लडी एंड स्वीट। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है। नाइस यार, बढ़िया फिल्म। मतलब खून खराबा बहुत है बट स्टोरी तो किसी ना किसी पासों एक वधिया मॉरल एंड होएगा इस फिल्म का भी, क्योंकि ना मैं देखा साउथ वाले ना कितना कि जिदा की मर्जी फिल्म बना जिन्ना मर्जी एक्शन हो जिन्ना मर्जी खून खराब हो सॉरी एक एंड च वधिया मॉरल जरूर दे के जाते हैं, हमेशा एक चीज़ सिखा के जरूर जाते हैं कि हाँ इदा इदा करेगा। सो उस चीज़ की वेट आ। वीएफएक्स बहुत नाइस ने, बहुत वधिया तरीके प्रजेंट की गई है पूरी की पूरी फिल्म कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेलर में जिस तरीके ने एक एक्साइटमेंट क्रिएट करनी चाहिए वो की है, तो देखते हैं यार अगर की बनता। ठीक है, सत श्री अकाल।